हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं, या फिर आप इसे मैथमेटिक्स सेकंड भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। जब तक आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आकर हमें ज्वाइन करते हैं, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यदि हम इससे पहली वाली क्लासेस की बात करें, आप जानते ही हैं हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल, हो सकता है आपको बुक में ये लिखा हुआ मिले सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर का नाम मिले इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। क्या है ये स्पेशल फंक्शंस, किस टाइप का स्पेशल इंटीग्रल है? देखो, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो हम क्या लिख देते थे, टैन इनवर्स एक्स लिख देते थे। अब यदि ऐसा हो जाए, उस 1 को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाए, 1 के स्थान पर ए स्क्वायर आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। नंबर 1, यही जो हमने अभी आपको बताया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाता है। या तो ये लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, सेकेंड पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, ये हो जाता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहले हम इन तीनों को प्रूव करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इससे अगले वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फॉर्मूले। लगभग तीनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे से हमारा मतलब है एक ही फॉर्मेट में लिखे गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पर ए स्क्वायर को प्लस कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया गया है। देखो, इसमें तो दोनों एक ही बात है, प्लस वाली कंडीशन में तो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हो जाता है, जैसे ही साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस होता है, वहाँ से वैसे ही वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले वाले फॉर्मूले को हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, देन बाकी के दो प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले पर आ जाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। देखो, यदि ये क्वेश्चन के बीच में आता है कहीं पर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, बट इन केस प्रूव करने के लिए आता है, लिखा आता है प्रूव दैट ये इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो हमने मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा ही क्यों मान रहे हैं, आपके माइंड में ये भी बात आ सकती है, टेन ही क्यों, टेन के अलावा कोई और वैल्यू क्यों नहीं। टेन इसलिए मानते हैं क्योंकि प्लस वाला जो फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, या वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी कंडीशन इस टाइप की बने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स को या तो ए टेन थीटा मानेंगे या फिर ए कोट थीटा मानेंगे। ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ये स्पेशली लिख लीजिएगा नोट पॉइंट बनाकर,
ठीक है। जब भी कंडीशन ये वाली बनेगी, बीच में प्लस आ जाएगा, तो आप या तो a tan थीटा मान लेंगे x को, या फिर a cot थीटा मान लेंगे। क्लियर? क्या करेंगे अब देखो, डिफरेंशियल करते हैं। x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 हो जाता है। a tan थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा। हमने x को कहा a tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a tan थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। dx क्या है? dx के लिए लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर है इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन ए आता है यहां पर। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू आती है, बना पाने वहां पर गलती से रह गया था। इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डी थीटा। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे वाला ए बचता है इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिखी जा सकती है। तो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर लिखा जाए या टेन स्क्वायर प्लस वन, एक ही बात है। तो हमने इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन डी थीटा। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? देखो आप जानते हैं सभी, वन का इंटीग्रेशन होता है थीटा, यदि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स हो जाता है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा हो जाता है। इट मीन्स वन अपॉन ए थीटा प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें रख देनी है, कैसे रखेंगे? यहाँ पर आते हैं, इधर लिख लेते हैं हम। देखो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो आप यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन ए। ठीक है, x अपॉन ए आ जाएगी, इसे को x के नीचे लिख देंगे। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan इधर चला जाएगा, tan उधर जाने के बाद tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें वहां रख देनी है, ये हुआ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही प्रूफ करना था हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन यदि आता है तो आप इसे लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड उस केस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आंसर लिख देंगे आप उस केस में, क्वेश्चन को सॉल्व हमें ऐसे ही करना है। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगले वाले पर बढ़ते हैं, सेकेंड वाले पार्ट पर। सेकेंड वाला पार्ट क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा था इस बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जब भी बात आती है माइनस की, मींस हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, मींस ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है। जहां पॉसिबिलिटी है फैक्टर करने की, वहां आप फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, जब फैक्टर नहीं होते हैं तब सब्स्टिट्यूशन का हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को प्रूफ करके दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट था हमारा अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही टाइप से प्रूव हो जाएंगे। तो हम एक पार्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, एक पार्ट को आप खुद से प्रूव करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो दोनों को प्रूव करके हम नहीं दिखाएंगे, हम एक पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट ये है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, ऊपर से भी हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये हमें लाकर दिखाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले इसको ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम, आंशिक भिन्न किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे आंशिक भिन्न, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न से, बाई पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से किए हैं उस चैप्टर में, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। देखो ये फैक्टर भी लीनियर है, ये फैक्टर भी लीनियर है, ऑर्डर 1 का फैक्टर है, मींस पावर 1 है x की। तो हम क्या करते हैं, a अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर, मींस a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको कह दिया है। ठीक है, अब देखो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर यदि डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एलसीएम ले लेंगे x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, मीन्स ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एक बार पहले फैक्टर के इक्वल जीरो रखेंगे, एक बार दूसरे फैक्टर के इक्वल जीरो रखेंगे, तो पहले पहले फैक्टर के इक्वल जीरो रख लेते हैं। ठीक है, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो एन सेकेंड, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी एक्स की वैल्यू। देखो जैसे ही आप एक्स माइनस ए को जीरो रखेंगे तो पहला ये जो वैल्यू है पहली वाली टर्म पूरी ये जीरो बन जाएगी, लेफ्ट साइड आएगी वन, जीरो प्लस बी इंटू ए प्लस ए, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू बी इंटू टू ए, यहां से बी की वैल्यू निकालते हैं, 2a नीचे जाएगा, इट मीन्स 1 अपॉन 2a। ठीक है, एक बार हमने x माइनस ए को जीरो रख लिया, अब x माइनस x प्लस ए को जीरो रखेंगे, अब हम ये लिखेंगे ना पुट x प्लस a इज इक्वल टू जीरो, हमने लिख दिया x प्लस a इज इक्वल टू जीरो, या फिर x इज इक्वल टू माइनस a इन सेकेंड। ठीक है, सेकंड में x इज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू को माइनस ए रखोगे तो 1 a इंटू माइनस ए प्लस x प्लस a को जीरो रखा, जीरो की जब b में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ये वैल्यू जीरो, 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस टू ए, a की वैल्यू आपको निकाल लेनी है तो ये माइनस टू ए नीचे आ जाएगा, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस टू ए, या a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टू ए। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ गई आपकी और b की वैल्यू भी आ गई, आपको ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देनी है, क्लियर। हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, रख देते हैं हम यहाँ पर, ये लाकर दिखाना है हमें जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन, या आप सीधा वन से चल सकते हैं, बाय वन, बाय
वन, देखो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसका मतलब ए की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू ए, तो माइनस वन अपॉन टू ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है वन अपॉन टू ए पॉजिटिव प्लस वन अपॉन टू ए एक्स माइनस ए। अब क्या कर देना है आपको, अब आपने दोनों वैल्यूज रख दी, मींस ए और बी दोनों की वैल्यू रख दी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है दोनों साइड, दोनों साइड आप जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx लिखेंगे, तो यहां से 1 अपॉन 2a को बाहर लिया जा सकता है क्योंकि 1 अपॉन 2a एक कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों ही वैल्यूज में आती है, मतलब दोनों ही टर्म के साथ 1 अपॉन 2 है, 2a है, तो टोटल बाहर लिया जा सकता है इस 1 अपॉन 2a को। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन टू ए अपॉन एक्स प्लस ए वन अपॉन टू ए एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन अपॉन टू ए को बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन टू ए बाहर लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, हमने पॉजिटिव वैल्यू को बाहर लिया है तो हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए वन अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, इसके बाद नेगेटिव वैल्यू लिख लेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, वन अपॉन एक्स माइनस ए, वन अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग एक्स माइनस ए, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स माइनस ए, यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाएगी लॉग एक्स प्लस ए। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही हमें लाकर दिखाना था। देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफोर, इसके बाद हम लिख देते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ हैंस, हैंस लिखिए या देयरफोर लिखिए एक ही बात है, तो हम ये लिखेंगे देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, प्रूफ, ठीक है। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व करेंगे एज इट इज हो जाएगा, वहां बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ठीक है, वहां पर एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बनेगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, देखिए इसके बाद फॉर्मूला आ जाता है। अब यही जो हमने तीन वैल्यूज लिखी हैं यदि इन सब के ऊपर रूट लग जाए तो क्या वैल्यू बनेगी, तीनों के ऊपर यदि रूट लग जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शुरुआत करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। जाना पहचाना फार्मूला है वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है, तो हमें यहाँ क्या लिख देना है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है यदि वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे, अब यहाँ ए स्क्वायर आ जाता है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हो चुके हैं, फोर्थ पर चलते हैं, नंबर फोर्थ, साथ साथ प्रूफ भी कराते चलेंगे हम इस बार, ठीक है, बार बार फिर हमें लिखना पड़ता है। फोर्थ फॉर्मूला प्रूफ कराएंगे उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ लिखेंगे क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ लगभग दोनों एक ही जैसे हैं। देखो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये है हमारा फॉर्मूला। प्रूफ करेंगे इसको, लेके चलते हैं इसे। यहाँ पर देखिए, हमें फैक्टर तो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे फैक्टर हम इसके, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ रहा है। फैक्टर कर भी देंगे तो रूट से बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं इसके, तो क्या करेंगे? जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते तो हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्सटीट्यूशन मीन्स कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। तो ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम नोट पॉइंट लिख भी देते हैं। यदि ऐसा हो जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चाहे रूट में है चाहे रूट में नहीं है। मान लिया ये कोई कंडीशन बनती है या ऐसा बनता है, केवल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तब हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या नंबर वन, देन लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। या तो आप टेन थीटा मानेंगे या फिर आप कोट थीटा मानेंगे। सेकेंड पार्ट, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, जैसी वाली है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन हम क्या मानते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ऐसी कंडीशन में या तो आप साइन थीटा मानेंगे या फिर आप कॉस थीटा मानेंगे। थर्ड पर आते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान देना है आपको बीच में प्लस है। इस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जाए, एक ही बात है। प्लस यदि बीच में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ए लिखा जाए या पहले एक्स लिखा जाए, ठीक है। बट यदि माइनस आता है तो फर्क पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हो जाती है। यहाँ पहले ए स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर आता है, तो आप क्या मानेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। यदि ऐसा हो जाए, पहले एक्स स्क्वायर आ जाए बाद में ए स्क्वायर आ जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप मान लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपका पर्पस है रूट से बाहर मतलब वैल्यू को लाना। आप यदि यहाँ पर ए टेन थीटा मानते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और आप उसे रूट से बाहर लिख सकते हैं। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, जब आप ए कोट थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, उसे भी रूट से बाहर लिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने लिखा ए साइन थीटा, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लिया जा सकता है। ऐसे ही यदि आप यहाँ पर साइन ना लिख के कॉस लिखें, ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी तरह थर्ड वाले पर चलते हैं, आपने एक्स को लिखा ए सेक थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लिखा जा सकता है, ठीक। इसी तरह यदि आप नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट से बाहर ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई, ये नोट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है, ताकि आप आगे जब भी कैलकुलेशन करें हर एक टाइप की, तो आप ये याद रखें, आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ हमने क्या लिखा था, मतलब हमने लिखा था नोट पॉइंट करके कि इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो आपको ये मान लेना है, ठीक है। कंडीशन ये है तो आपको ऐसा मान लेना है, ये कंडीशन है तो ऐसा मान लेना, क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कौन सी कंडीशन बनती है हमारे इन सब में, यदि हम देखें तो हमारी सेकेंड कंडीशन बनती है। तो या तो हम मान सकते हैं ए साइन थीटा या फिर हम मान सकते हैं ए कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं, हम ए साइन थीटा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा,
dx भी लिखा है पीछे, डिफरेंशियल करेंगे 1 इंटू dx हो जाएगा, या केवल आप dx लिख सकते हैं। a साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर, और dx को लिख देना है a cos थीटा d थीटा, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉमन लिया हमने दोनों से ए स्क्वायर, तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। हमने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ, कॉमन लिया ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर लिखेंगे आप इसको, तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, क्लियर है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है थीटा, ठीक है, 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा हो जाएगा, यदि आप x के रेस्पेक्ट में करते हो तो x आ जाता है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा आ जाता है, ठीक है। लास्ट में आपको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हर एक क्वेश्चन में ऐड कर ही देना है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी देखो, इधर ले लेते हैं, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू है आपका a साइन थीटा, यहाँ से आप साइन थीटा निकालेंगे, a आ जाएगा x के नीचे, x अपॉन a, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ रख देनी है ये वैल्यू आप, मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर चल रहा है लेफ्ट साइड में यही, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, भाई यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। इसके बाद हम बढ़ते हैं इससे अगले वाले फॉर्मूले, पहले हम यहाँ पर sec थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद इससे अगले फॉर्मूले पढ़ेंगे। इससे अगले फॉर्मूले से हमारा मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर यहाँ पर प्लस हो जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हम लिखते हैं, प्रूफ आप लोग उस फॉर्मूले को करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, कैसे करना है हमें, sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो sec इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हमें क्या कर देना है, हमें sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन लिख देना है, मींस नंबर फिफ्थ करके लिख लेते हैं, हम आपको हिंट देंगे, आपको प्रूफ ये खुद से करना है। देखो क्या करेंगे, हमने लिखा फॉर्मूला नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है। क्या करेंगे आप इसे सॉल्व करने के लिए, आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू मान लेना है a sec थीटा या a cos थीटा, हमने बताया ये आपको, आप ये कंडीशन देखिए,
ये कंडीशन, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीन पॉइंट्स लिखे थे हमने यहाँ पर, तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है तो आपको क्या कर देना है, एक्स को मान लेना ए सेक थीटा या ए कॉस एक थीटा। तो आप जब यहाँ पर एक्स को ए कॉस थीटा मान ए सेक थीटा मानेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा होता है, इधर ए सेक थीटा हो जाएगा। ऊपर भी आप dx की वैल्यू लिखेंगे तो फिर वो आ जाएगा आपका a sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगी कुछ वैल्यूज, केवल थीटा ही बचेगा, ठीक है, और ये 1 अपॉन a बचेगा। तो आप इसको खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, क्लियर, खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। तो फिर भी लिख देते हैं हम x इज इक्वल टू a sec थीटा, इसे प्रूफ कीजिएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस कहिए या फॉर्मूले कहिए, देखिए यदि ये सब चीज़ें प्रूफ करने के लिए आते हैं तो ये क्वेश्चन की फॉर्म बन जाती है, मतलब क्वेश्चन ही है मोस्ट प्रोबेबली, ये लॉन्ग क्वेश्चन की ही मान के चलिए आप इसे, यदि ये प्रूफ करने के लिए आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन है, दो नंबर्स में भी आ सकता है, खैर ऐसी बात नहीं है, मतलब शॉर्ट में नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, मीन शॉर्ट में भी आ सकता है और थोड़े बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ही तरीके से आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। यदि कम टाइम टेकिंग है फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, तो जिसमें कम टाइम लगता है वो आपका कम मार्क्स में आ जाता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वो ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है इन, और यदि ये क्वेश्चन के बीच में यूज़ हो रहे हैं तो आप इनको एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्लियर। तो आज हम आपको 4-5 फॉर्मूले बता चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था tan इनवर्स x अपॉन ए वाला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, इसके बाद हमने दो फार्मूले बताए जो लॉग में थे, इसके बाद हमने sin इनवर्स वाला फार्मूला बताया आपको, और एक ये फार्मूला है sec इनवर्स x वाला। दो फार्मूले प्रूफ करने के लिए हमने आपसे कहे हैं कि ये दोनों आपको प्रूफ करके लेकर आने हैं, मतलब आज के लिए आपका ये होमवर्क है। एक जो हमने फार्मूला छोड़ा है प्रूफ करने के लिए, उसके जैसा कराया है आपसे कहा था कि उसको सॉल्व करना है, तो एक तो आपको ये करके लेके आना है और एक ये प्रूफ करके लेके आना, साथ ही जो 4-5 फॉर्मूले हैं सबको एक बार याद कर लेना है, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी ही है, मींस जितना हम कराते हैं उसके साथ साथ आपको बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल का नाम आप जानते ही हैं, नाम लिखा हुआ है नीचे, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, स्ट्रिप चल है नीचे, वहाँ लिखा है JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, तो वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको PDF मिल जाती है, तो आप डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही क्लास का शेड्यूल भी आपको वहीं से मिल जाता है। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब भी टेलीग्राम चैनल से ही आपको मिलती है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, साथ ही जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ आपका बेनिफिट होता है हमारी क्लासेस से, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से को भी शेयर कीजिए, साथ ही देखिए आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंट हम देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक ठीक है। चलिए तो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले वाले कुछ फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।